डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, तो आखिर बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे ही दिया। 4 महीने में भाजपा ने अपने 4 मुख्यमंत्रियों को बदल डाला। पहले उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया, फिर असम में चुनावी जीत दिलाने वाले सर्वानंद सोनोवाल को बदल दिया। इसी महीने की शुरुआत में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत को भी बदल दिया। और अब इसी कड़ी में येदियुरप्पा का नाम भी जुड़ गया। न चाहते हुए भी उन्हें पद छोड़ना पड़ गया। येदियुरप्पा 4 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल का कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर पाए। 1 बार 2 दिन तो 1 बार 7 दिन के लिए ही उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। राजनीतिक दलों को अपना मुख्यमंत्री बनाने और बदलने का पूरा अधिकार है, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री बदलने की मजबूरी अंदरूनी उठापटक की तरफ इशारा करती है। कर्नाटक और उत्तराखंड को ही ले लें। उत्तराखंड बनने के बाद 21 वर्षों में भाजपा के यहां 6 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन एक को भी 5 साल पूरे करने का मौका नहीं मिला। कर्नाटक में भी 14 साल में भाजपा के 3 मुख्यमंत्री बने, लेकिन सबको बीच में ही पद छोड़ना पड़ा। कर्नाटक में भाजपा ने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई थी, पर उत्तराखंड में तो पार्टी को 70 में से 57 सीटों पर जीत मिली थी। फिर भी 4.5 साल में 3रा मुख्यमंत्री लाना पड़ा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में भाजपा के मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं या करने जा रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो वहां भी पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपसी खींचतान की खबरें आती रहती हैं। क्षेत्रीय दलों में इस तरह का संकट नहीं है। ओडिशा में नवीन पटनायक हों या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, लंबे समय बाद भी दोनों को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। लोकतंत्र में सबको साथ लेकर चलने की परंपरा बीते कुछ सालों में टूटती नजर आ रही है, खासकर भाजपा और कांग्रेस में एक दूसरे की शिकायतों के सिलसिले के बीच चलने वाली सरकारें जनहित में कुछ नया कर ही नहीं पाती। मुख्यमंत्री कुर्सी बचाते रह जाते हैं। राजस्थान का उदाहरण सामने है। 2.5 साल पहले बनी सरकार अपनों की खींचतान का बोझ ढो रही है। दोनों बड़े दल सबसे अधिक अनुशासित होने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। कर्नाटक में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा जल्दी सामने आ जाएगा। येदियुरप्पा के कद का दूसरा नेता वहां भाजपा के पास नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसे तलवार की धार पर ही चलना होगा। विपक्ष के मुकाबले अपनों के वार सहने के लिए तैयार रहना होगा। पाई पैराचेंज, तालिबान की जीत और अमेरिका द्वारा सेना वापस बुला लेने के बाद अफगानिस्तान में वे महिला अधिकार, स्वतंत्र प्रेस और लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में हैं, जो पिछले 20 सालों की उपलब्धि माने जाते हैं। हाल ही अफगान यात्रा के दौरान जब मैं सरकार, विपक्ष और सैन्य हस्तियों से मिला तो सामने अधिक जटिल तस्वीर थी।
कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले। सबसे बुरा तो यह हुआ कि तालिबान ने कई जिलों पर कब्जा कर लिया है, सड़कों को काट दिया है और सैन्य चौकियों को अलग कर दिया है। तालिबानी सेना ने लड़ाई के ऐतिहासिक क्षेत्रों दक्षिण व पूर्व से हट कर उत्तरी इलाके में अफगान के कमजोर सैनिकों पर हमला कर दिया। सालों तक अमरीकी कमांडरों के साये में रही कई छोटी चौकियां खत्म हो चुकी हैं। अफगान कमान के व्यापक बदलाव से भी निस्संदेह कुछ समस्याएं खड़ी हुई हैं, जैसे भ्रष्टाचार। परंतु अमेरिका की कुछ जिम्मेदारी बनती है। अफगानी सैन्य चौकियां अलग थलग हो चुकी हैं और अमेरिका ने हवाई मार्ग से संसाधनों की आपूर्ति रोक दी है। अफगान की सीमित एयरलिफ्ट क्षमता को देखते हुए सैनिक आश्वस्त नहीं है कि अगर युद्ध होता है तो उन्हें पुनः तैनात किया जाएगा या हटाया जाएगा। अब भी उम्मीद की किरण बाकी है। यह कहना अतिशोक्ति होगा कि केवल अफगानी कमांडो लड़ रहे हैं, सेना नहीं। हेलमंड प्रांत में सेना कड़ाई से मुकाबला कर रही है और प्रांतीय राजधानी में जस की तस खड़ी है। एक मित्र ने मुझे बताया कि अफगान सेना ने दूरवर्ती निमरुज प्रांत में तालिबान के हमले के 3 दिन बाद स्थानीय लड़ाकों की मदद से एक जिला वापस ले लिया। यह तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के डटकर खड़े होने का एक संकेत है। तालिबान विरोधी लड़ाकों को पहले से ही धमकियां दे रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन कह चुके हैं कि अफगान सरकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, इसे प्रतिरोध का नेतृत्व और समर्थन करना चाहिए। एक रणनीति बना कर जनता को भी उससे अवगत करवाना चाहिए। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमद जई ने बताया कि उनके पास ऐसी रणनीति है, उन्हें इसे सार्वजनिक कर देना चाहिए। अमेरिका को भी समझना होगा कि उसके कारण अफगान का मनोबल गिरा है और अब उसे इसे ऊंचा उठाने में भी मदद करनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि जब लोग एक पक्ष को जीतते देखते हैं, लड़ाई रोक दी जाती है और युद्ध खत्म हो जाते हैं। 2001 में यही हुआ, जब कुछ युद्धों बाद तालिबान का मनोबल गिर गया। अगर अब अफगानिस्तान की सेना हारने लगती है तो अमेरिका की खुद की मुश्किल बढ़ सकती है। घोषित 11 सितंबर की अंतिम तिथि से पहले ही अमेरिकी सेना का वहां से निकलने का निर्णय चौंकाने वाला था। अफगान द्विभाषियों और अमेरिकी सरकार के लिए काम करने वाले अफगानियों को लगा कि अमेरिका तालिबान के खिलाफ लड़ने की उनकी क्षमता पर भरोसा खो चुका है, या वे मान सकते हैं कि अमेरिका जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है। अमेरिका अफगानी सुरक्षा बलों का समर्थन करना जारी रखेगा। इसके अलावा मिश्रित संदेशों के कारण अतिरिक्त विमान देने की सहायता की बात भी सही तरीके से उन तक नहीं पहुंची। तालिबान फिलहाल बड़े शहरों पर हमले नहीं कर रहा है, लेकिन पर्यवेक्षकों का मानना है कि वह शीघ्र ही ये हमले शुरू कर सकता है। अमेरिका को तुरंत सांकेतिक कार्रवाई जारी रखकर स्पष्ट रूप से सहायता का संदेश देना होगा। बड़े शहरों में
भोजन व हथियारों की हवाई आपूर्ति की जा सकती है। विरोधी बलों की उपकरणों व फंडिंग जरूरतों के अनुसार उन्हें आपात सहायता उपलब्ध करवाई जा सकती है। असल मुद्दा यह है कि अमेरिका की कार्रवाई नजर आनी चाहिए। स्टॉप।